जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद की गिरफ्तारी के विरोध में और अपने नेता की रिहाई की मांग को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं का आंदोलन लगातार जारी है। आज भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम नेताओं ने आर्ट कॉलेज से आयकर गोलंबर तक मौन मार्च निकाला। जाप नेताओं ने आयकर गोलंबर पर जेपी की प्रतिमा के पास सभा की और अपने नेता की रिहाई के लिए नीतीश कुमार को सद्बुद्धि देने की भी मांग की। पार्टी के नेता आनंद शंकर सिंह ने कहा कि नीतीश सरकार ने हमारे नेता की सेवादारी से चिढ़कर उन्हें जेल भेजने का काम किया है। हमारे नेता सरकार की कमी को उजागर कर रहे थे और सरकार उनकी लोकप्रियता से घबरा कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हम और हमारी पार्टी अपने नेता की रिहाई के लिए सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन करते रहे। जुलूस निकाले हैं हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव जी को रिहा कराने के लिए। लगातार हम लोग रोड पर हैं और लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, सरकार के क्रियाकलापों का उजागर कर रहे हैं। ये जुल्मी सरकार के खिलाफ हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और हमारे पप्पू यादव जी ने भी यही काम किया था कि एम्बुलेंस के बारे में उजागर करने का काम किया था। बीजेपी सांसद के खिलाफ उन्होंने जा कर के इस काम को उजागर किया था, इसके वजह से उन्हें जबरन साजिश के तहत सरकार ने जेल में डालने का काम किया है। जबकि आज के डेट में बिहार में सच्चे सेवक और सच्चे सेवादार के रूप में पप्पू यादव को लोग पसंद करते हैं, लेकिन सरकार को ये बात पची नहीं और सरकार उन्हें जेल में डालने का काम पर्चे दे रही। मेरा नाम हुआ आनंद कुमार सिंह, प्रदेश महासचिव जन अधिकार पार्टी